ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये आज सुबह का ही इंसिडेंट है। हमें किसी का कॉल आया था और टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन चल रही थी, लेकिन ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से है, जो पिछले 28-30 साल से लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं, और मुझे अपनी कॉमन सेंस से जो भी मुझे ठीक लगता है, दिल से मैं जो शेयर कर सकता हूँ, उसको गाइड कर सकता हूँ। दिस इज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, मैरिज एंड डिवोर्स। डिवोर्स के ऊपर ये टॉपिक है। बहुत लोग आके हमें कहते हैं कि सर हमें डिवोर्स चाहिए। मेरा ये मानना है अगर वाकई में आपको डिवोर्स चाहिए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपको मना नहीं कर सकती और डिवोर्स होने से रोक नहीं सकती। पता है रुकता क्या है और बीच में कृपा कहाँ रुकती है और बीच में अड़चन कहाँ आती है, बीच में हर्डल कहाँ आती है? वो आती है आपकी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या? आप साथ में एडेंडम लगा देते हैं, साथ में एक फुटनोट लगा देते हैं, नहीं जी प्रॉपर्टी भी चाहिए, एक अमाउंट भी चाहिए, आपको कंपेंसेशन भी चाहिए, आपको वो जो फलां फलां टू बेडरूम हाउस है उसका भी हिस्सा चाहिए, आपको वो जो ज्वेलरी थी उसका भी हिस्सा चाहिए। आप इतनी सारी फाइनेंशियल चीज़ें बीच में ले आते हो, भाई साहब डिवोर्स बहुत सीरियस मामला होता है। जैसे मैरिज सीरियस है, वैसे डिवोर्स भी बहुत सीरियस है। इफ़ यू रियली 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 वॉन्ट अ डिवोर्स, देन यू शुड ओनली थिंक प्योरली इन टर्म्स ऑफ अ डिवोर्स। आप उसमें इतने सारे इफ्स एंड बट्स लगा देते हो, इसीलिए आपका डिवोर्स केस जो है वो डिले होता है। अगर आप जज साहब को भी जाके कहते हैं, आप वकील को भी समझाते हैं, आप रिश्तेदारों को भी समझाते हैं, अपने दोस्तों को भी कहते हैं, उससे छोड़ो जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो भी आपका मतलब मैरिड पार्टनर है, उसको भी ये चीज़ का इल्म हो जाता है, ये चीज़ एहसास हो जाती है, ये चीज़ आपकी एनर्जी वो समझ जाता है या जाती है कि भाई इसको कुछ ज़रूरत नहीं है, ये तो डिवोर्स लेके ही रहेगा या लेके ही रहेगी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये जो आप नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं, आप ये जो फाइनेंशियल शुरू कर देते हैं कि इतना पैसा चाहिए, 25 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, मतलब हमारे पास लोग आते हैं, नहीं जी हम तो 2 करोड़ लेंगे, 1 करोड़ लेंगे, वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ की प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा भी चाहिए, जो बंगलो है उसका भी आधा हिस्सा चाहिए, जो गाड़ियाँ 4 खड़ी हैं उसकी 2 गाड़ियाँ भी चाहिए। भाई तो फिर तो ये बिज़नेस कर रहे हो, डिवोर्स के लिए थोड़ा ना बात कर रहे हो। अब आप कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी तो कोई चीज़ होती है। तो देखो भैया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बात होती है तो फिर अपने सीए से बात कीजिए, अपने अकाउंटेंट से बात कीजिए, अपने बैंकर से बात कीजिए। हमारे पास अगर आप क्लैरिटी के लिए आ रहे हैं कि लें या ना लें, पहली बात तो ऑनेस्टली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डिवोर्स, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डिवोर्स, लेकिन अगर आपका है, और मैं यही तो चीज़ देखता हूँ उसमें कि वाकई उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को चाहिए ही चाहिए और उसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, या मैं बिल्कुल भी उस पर्सन के साथ मेरी एडजस्टमेंट नहीं है, फेयर इनफ, दैट्स ऑल। एक ही बार ज़िंदगी मिलती है भाई साहब, जियो तो फिर प्यार से जियो, कोई डर के थोड़ा ना जीना है, कोई खौफ में थोड़ा ना जीना है, उसके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। तो करना है तो करना है तो, पर लेकिन उसके अंदर बिजनेस मत लेकर आइए, ये मैं कह रहा हूँ, है ना, उसके अंदर फिर बिजनेस मत लेकर आइए आप, ये जो बार बार पैसे 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 की बात करते रहते हो। भाई वो कहते हैं ना भगवान देसे ना कि वट एवर यू आस्क फ्रॉम गॉड, गॉड गिव्स इट टू यू। आप जो मांगोगे भगवान से, ये यूनिवर्सल लॉ है, जो भगवान से मांगोगे वही मिलेगा। अगर आप डिवोर्स मांगोगे, सच्चे दिल से मांगोगे, वो मिलेगा, लेकिन उसके साथ आप इतनी सारी और चीज़ें एडेंडम लगा के, उसमें लिस्ट लगा के, पूरी चेक लिस्ट कि जी ये भी चाहिए उसके साथ, तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चलता, है ना। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था।